शौहर से बात की, शौहर का दिमाग चला, मगर अगर दिमाग नहीं चलता तो 2 लाख तो गए थे। बंदा शर्मा हजूर में पूछते नहीं कि यार वो बाजी करना है, मैं एक्स वाई थी 1.5-2 लाख मांगनी है, क्या उठाते यार, ट्रांसफ़र कर देते हैं, आ खान का बंदा है, अस्पताल में एडमिट है, बाजी देंगे, ट्रांसफ़र करते बाजी देती नहीं, वो बंदा गायब होता तो ये होता है बाजी दे ही नहीं रही कैनाडा में बटी हुई। और ऐसे कितने स्कैम चल रहे होंगे हमें पता ही नहीं होगा कि मुझसे मेरे किसी कज़न ने पैसे मांग लिए होंगे और मैंने दे भी दिए होंगे उसको, अकाउंट ट्रांसफर कर भी दिए होंगे, मैं बैठा हुआ वेट कर रहा होगा कि यार मेरे दोस्त मेरे कज़न जो है मुझे पैसे वापस करेगा, वो वापस कर नहीं रहा, मैं धीरे धीरे में कोड़ रहा हूँ कि मुझे पैसे वापस कर नहीं रहा, मैं उसको क्या पता कि भाई उस कज़न ने तो पैसे मांगे ही नहीं, ये तो किसी और ने मांग लिए। तो आप पहले अपने हल्के अहबाब में देखें कि आपके पास कभी कोई ऐसा स्कैम तो नहीं हुआ, क्या पता आपके साथ होगी हो, आपको पता भी ना चला हो, आपने किसी की मदद कर भी दी हो, 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000 रुपये दे भी दिए हो, मैं जिसको आपने दिए हों वो आपका अपना असल बंदा हो ही ना। तो आप लोग ये बड़ा ही आँखें खोल के देखें अपने हल्के अहबाब में, और अगर ऐसा नहीं है तो इस किस्म से स्कैम से बचने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। पहले तो ये स्कैम है बड़ा ख़तरनाक और बड़ा वाइट कॉलर स्कैम है, अल्लाह ताला इस तरह बचाए हम सबको, और ख़ाली फेसबुक से नहीं, ये टिकटॉक से भी हो सकता है, ये ट्विटर से भी हो सकता है, ये व्हाट्सएप पे भी हो सकता है, मगर जो ये करेगा वो यकीन आपकी पूरी हिस्ट्री चेक करेगा, मामला करेगा, और कैसे बचा जा सकता है ये मैं आगे बता दूँ आपको। मगर ये स्कैम चल रहा है पाकिस्तान में फेसबुक का, कि पूरी आपको मैंने डिटेल बताई। अब इस तरह का कोई स्कैम है जो फेसबुक के थ्रू हो रहा है, पहले तो बच्चे कैसे हैं, पहले तो ये करें कि आपके घर की जितनी ख्वातीन हैं या आप लोग की जितनी प्रोफाइल हैं उनको तो आप पहले करें प्राइवेट। एक ऑप्शन आता है ऐड फ्रेंड का, वो ऑप्शन ख़त्म करें ऐड फ्रेंड का। अगर आपको नहीं आता तो मुझे कमेंट में बताएं, तो मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा कि कैसे कमेंट ख़त्म करते हैं, ऐड फ्रेंड का ऑप्शन कैसे ख़त्म करते हैं, प्राइवेसी कैसे डालते हैं फेसबुक की, प्रोफाइल कैसे लॉक करते हैं। एक बार प्रोफाइल लॉक हो गई, ऐड फ्रेंड का ऑप्शन ख़त्म हो गया, तो जो भी थर्ड पार्टी है वो आपकी प्रोफाइल को एक्सेस नहीं कर पाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आपका चाचा, मामा, ताया, भाई कोई भी फेसबुक पे, मैसेंजर पे, व्हाट्सएप पे आपसे पैसे उधार मांगता है, तो पहली चीज़ ये कि मैं आपको ये नहीं बोलूँगा पैसे ना दें, पैसे दें, क्या पता जीनियर का मसला हो, मगर पैसे देने से पहले तहकीक कर लें, कन्फर्म कर लें कि यार जो बंदा मुझसे व्हाट्सएप पे बात कर रहा है, जो बंदा मुझसे फेसबुक चैट से बात कर रहा है, जो बंदा मुझसे मैसेज करके बात कर रहा है, आया कि वही बंदा है, वो मेरा भाई ही है, वो मेरा दोस्त ही है, वो मेरा कज़न ही है, वो मेरा मामा चाचा ही है, क्योंकि आप तो दे रहे हो उसके पैसे, अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मगर जब वो अगर सामने वाला आपका कज़न, भाई, बहन, दोस्त होगा ही नहीं, तो आप तो पैसे किसी और को दे रहे हैं। तो इसके बचने के लिए ये कि आप जो है वो तहकीक जरूर करें कि आया कि जो मुझसे कॉन्टेक्ट कर रहा है, जो मुझे अप्रोच कर रहा है, वो बंदा सही है या नहीं है। तो यहाँ लर्निंग क्या है, पहली लर्निंग ये है कि फेसबुक की जो आईडी है, आपकी प्रोफाइल जो है, उसको आप लॉक करें, ऐड फ्रेंड का ऑप्शन ख़त्म करें, और कोशिश करें कि आपकी जो तस्वीर वगैरह है रिलीज़ की आपकी, वो फेसबुक पे प्रोफाइल पिक्चर पे ना हो तो बेहतर, अगर है भी तो फिर ऐसी लगाएं जो कि पुरानी हो या बिल्कुल लेटेस्ट हो, जो कि हर कोई कॉपी कर ना सके। दूसरा ये है कि किसी भी मैसेंजर को, चैट को आप रिस्पॉन्ड ना करें, कोई आपसे 2,000 मांगे 1,000 मांगे, आपको किसी का भाई क्यों रहा हो, आप तहकीक कर लें कि आया गया मेरा भाई है जो पैसे मांग रहा है मैसेंजर पे आके या फेसबुक पे आके या फेसबुक चैट पे आके, तो पैसे ऐसे ना दें, तहकीक करें कि आया गया वही बंदा है या नहीं है, देन भी आप देना चाहें दे दें। दो तरीके आपको मैंने बताया बचने के। तीसरा ये है कि दिमाग को इस्तेमाल करें, कहते हैं ना कि एक होता है स्मार्ट वर्क, एक होता है हार्ड वर्क, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का जो तीसरा पार्ट है ना वह है ब्रेन वर्क। बहुत चल रहा है ना, आपने स्मार्ट वर्क करना है ना आपने हार्ड वर्क करना है, मोबाइल इस्तेमाल करने के लिए आपने ब्रेन वर्क करना है, यानी आपको दिमाग इस्तेमाल करना है, सुन नहीं बैठना। हमारे दिन में भी है कि आप जो है किसी भी बात की पहले तहकीक करें, फिर उसके ऊपर ईमान लेके आए, सही है, तो आप पहले तहकीक करें, तहकीक करने के बाद जो है इसके ऊपर कोई